किचन में दीपाली। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे हेल्दी सूप, टमाटो सूप बनाएंगे हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो उसके लिए मैंने 4 से 5 टमाटर लिए हैं और हम ये 2 लोगों के लिए सूप तैयार कर रहे हैं। एक मैंने गाजर लिया है, थोड़ा सा हम इसको हेल्दी बना रहे हैं तो एक गाजर लिए जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 8 से 10 पालक के पत्ते हैं, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है। 1 टुकड़ा अदरक का है, 1/2 चम्मच शुगर है क्योंकि गाजर में भी अपनी मिठास होती है तो हम शुगर थोड़ी कम ही लेंगे, आप बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, बटर है। तो हमने ये जो भी टमाटोज हैं इनको हमने काट लिया है, रफली चॉप करा है हमने। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं टमाटो सूप। सबसे पहले हम एक कुकर ले लेंगे, उसमें हम ये डालेंगे टमाटोज, साथ में हम इसमें डाल देंगे पालक, गाजर, एक अदरक का टुकड़ा। फ्रेंड्स आप चाहो तो प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हो और गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप खाते हो तो आप अनियन और गार्लिक दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। सॉल्ट डाल दिया है हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग, शुगर डाल दिए हमने 1/2 टीस्पून, साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा बटर। अब हम इसमें 2 कप हम इसमें पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इसे 1 से 2 हम इसको सीटी ले लेंगे, गैस पर रख देंगे। दो सीटी आ गई है, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। फ्रेंड्स अब हम सूप के साथ खाने के लिए प्रोटीन्स बना लेते हैं। तो मैंने 3 से 4 ब्रेड ली थी जिसे मैंने चौरस टुकड़ों में कट कर लिया है। तो अब हम इसे ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, आप चाहो तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये गर्म हो गया, इसमें हम इस तरह से ये ब्रेड्स के पीसेस को डाल देंगे और इसे हम दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से सिक जाएंगे तो इनको टर्न कर देंगे इस तरह से। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है क्योंकि बहुत जल्दी इनका कलर चेंज हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। आप चाहो तो अगर आप थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप इसको सिर्फ तवे पे, नॉनस्टिक तवे पे हल्का सा बटर ग्रीस करके आप इसको सेक सकते हो। ये सिक गए हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स 2 सीटी बाद हमारा सूप का बेस भी तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर से। देखिए हमने इसे ब्लेंड कर लिया है, अब हम इसको छान लेंगे। एक स्ट्रेनर ले लेंगे और हम इसे छान लेंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं सूप, हेल्दी तो ये है ही। फ्रेंड्स अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए भी मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है क्योंकि हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो रेस्टोरेंट का जो सूप होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए पैन रख दिया है मैंने और इसमें मैं डाल दूंगी बटर। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा हमने जो सूप का बेस तैयार करा है वो हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स साथ में ही हमने जो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। हमें इसमें उबाल लगाना है, आप शुगर और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 चम्मच हम टमाटो केचप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमारे सूप में बिल्कुल बहुत अच्छा कलर आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। फ्रेंड्स देखिए सूप में बॉयल आ गया है इतना अच्छा और ये बहुत ज़्यादा थिक भी हो गया है जैसा रेस्टोरेंट में मिलता है। तो अब लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और गैस की फ्लेम को हम ऑफ करके इसे एक बर्तन में हम खाली कर लेते हैं। फ्रेंड्स सूप को इस तरह से हम सूप बॉल्स में खाली कर लेंगे। फ्रेंड्स थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूंगी क्रीम इस तरह से।
और गार्निश विद पुदीना पत्ती। तो और साथ में हमने जो क्रूटन्स बनाए थे वो भी सर्व कर रहे हैं। तो आपको ये टमाटो सूप की रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक और कमेंट जरूर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।